आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इन तीनों में से आपको कौन सा इस्तेमाल करना बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों ही यूपीआई को सपोर्ट करता है। यानी इन तीनों में आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके बिना किसी चार्जेस के कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इन तीनों में से फोन पे और पेटीएम में वॉलेट मिलता है, जबकि गूगल पे में आपको वॉलेट नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं गूगल पे की, गूगल पे गूगल का अपना एप्लीकेशन है जो पहले तेज नाम से लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया है। गूगल पे में आपको हाई सिक्योरिटी मिलती है, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होता है। गूगल पे में आपको रिचार्ज करने पर, टिकट बुक करने पर और बिजली का बिल या अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने पर काफ़ी सारे ऑफर मिलते हैं। साथ ही इसमें आपको एक कैश मोड मिलता है, जिससे आप किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे में एक साथ कई बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए बैंक अकाउंट को मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। गूगल पे में 1 वीक पॉइंट है, इसमें आपको किसी तरह का वॉलेट नहीं मिलता है। यानी आप कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे, वॉलेट इसमें नहीं दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं फोन पे की। फोन पे में आपको काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, ये यूपीआई को भी सपोर्ट करता है और इसमें वॉलेट भी मिलता है। इसमें आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के काफ़ी ऑफर दिए जाते हैं। इसमें आपको एक वॉलेट भी मिलता है, जिसमें आप पैसे ऐड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको अपने बैंक अकाउंट पर ले भी सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में फ़ोन पे काफ़ी अच्छा है, इसकी सिक्योरिटी काफ़ी दमदार है। इसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसमें आपको टिकट सपोर्ट और कॉल सपोर्ट दोनों दिए जाते हैं। यानी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो फेल हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम में आपको यूपीआई सपोर्ट, वॉलेट और शॉपिंग का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और उससे कहीं भी बिना चार्ज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वॉलेट में भी आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पेटीएम की सिक्योरिटी की, तो इसकी सिक्योरिटी काफ़ी वीक है। कई बार आप इसकी डेटा लीक होने की खबर सुनी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल पे और फोन पे, क्योंकि गूगल पे और फोन पे काफ़ी सिक्योर भी है और इसको यूज करना काफ़ी आसान भी है। पेटीएम में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है और अपने पूरे बैंक अकाउंट को लिंक कर देना ये खतरे से खाली नहीं है। लेकिन पेटीएम का आप सिर्फ वॉलेट यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेटीएम के साथ अपने बैंक अकाउंट लिंक कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।